अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू शिफास किचन। आज हम बनाने वाले हैं शाही मटन कीमे के पकोड़े। ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ आधा किलो मटन का कीमा लिया है। इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे, वो ये हैं: लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, मीट मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। 4 से 5 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है। 1 कप धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 अंडा, 3 से 4 चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू। इन सब चीज़ों को हम कीमे में डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। 1 कप मैदे में मैंने थोड़ा बचा लिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो बचा हुआ मैदा था इसको भी मैंने डाल दिया है। देखिए ये सब चीज़ें कितने अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम ढक के 1/2 घंटा फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। 1/2 घंटा हो चुका है, मैंने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कीमे के बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हम राउंड शेप में नहीं बनाना है, हम शेपलेस डालेंगे। हम इसको राउंड शेप में बनाएंगे तो अंदर नरम रहते हैं, इसलिए हम इसको राउंड नहीं बना रहे हैं। जैसा है ऐसे उठा के डालें। एक साथ ज़्यादा पकौड़ों को ना डालें क्योंकि टूटने के चांसेस भी रहते हैं। हमें यहाँ लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से कलर आया है। इसी तरह हम सारे कीमे के पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे कीमे के पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। आप अपने घर पे बनाएं, खाएं
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को 1K सब्सक्राइबर्स तक ज़रूर पहुंचाएं।